वेलकम टू एशियाज यंग आईएएस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं मराठी 10th स्टैंडर्ड अक्षर भारती का पहला प्रोज चैप्टर। क्रमांक 3 है पर पहला प्रोज चैप्टर है। पहले हमने देखा प्रार्थना, तू बुद्धि दे, उसके बाद दो संतवाणी देखी, अंकिला मी दास तुझा और योगी सर्वकार सुखदाता। अब आता है पहला प्रोज चैप्टर नंबर 3, शाल। अब ये नाम क्या है? शाल। इनके लेखक है रा ग जाधव। तो शाल का मतलब क्या होता है? शाल मतलब शॉल, जो शॉल ओढ़ते हैं। शॉल कब ओढ़ते हैं? ठंड लगती है तो ओढ़ते हैं, और कब ओढ़ते हैं? तो जब किसी को सम्मान देना होता है तो जनरली शॉल पहनाया जाता है। तो इस चैप्टर में भी लिखा है शॉल और श्रीफल। श्रीफल क्या होता है? कोकोनट। तो शॉल और कोकोनट ऐसे दिया जाता है, सम्मान के प्रतीक है, मतलब सिंबॉलिक ऑफ रिस्पेक्ट। तो ऐसे शाल दिया जाता है। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में है। अच्छे 2-3 इंसिडेंट्स यहाँ डिस्कस किए गए जो हम डिटेल में देखेंगे। तो ये देखिए, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। शाली भोवती, भोवती मतलब यहाँ पे मेंशन्ड है, शाली भोवती मतलब अराउंड, मतलब शाल के अराउंड। शाली भोवती असलेलिया लेखकाच या आठवणी, आठवणी मतलब रिमेम्बरेंस, जो उनकी मेमोरी है, रिमेम्बरेंस है जो उनकी मेमोरी है। तो शाली भोवती, शाली के सराउंडिंग लेखक का जो रिमेम्बरेंस है, जो उनकी मेमोरी है, या पाठातून व्यक्त झाले आहेत। व्यक्त मतलब सामने आया है, व्यक्त झाले आहेत, व्यक्त का मतलब एक्सप्रेस किया गया है, व्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस किया गया है। तो ये पाठ में एक्सप्रेस किया गया, पाठ मतलब ये चैप्टर। तो शाली भोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाले आहेत। शाल ही प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक होना, मतलब सिंबॉलिक होना, किसी को, किसी के रिप्रेजेंट करना किसी को। तो शाल ही प्रतीकात्मक है, ये सिंबॉलिक चीज है। शाली मुड़े येळाळा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे, मतलब शाल की वजह से, शाली मुड़े मतलब शाल की वजह से, ये मतलब आ, जा मतलब जा, तो ये और जा, ये ऑपोजिट वर्ड्स भी है, विरुद्धार्थी शब्द। तो शाल की वजह से आने वाला शालीनता, शालीनता क्या होता है? शाल अलग वर्ड है, शालीनता एक्चुअली अलग वर्ड है। शालीन मतलब के मॉडेस्ट, जो ज्यादा बोस्ट ना करे, जिसने बहुत कुछ किया है पर वो अपनी अपनी खुद की बढ़ाइयां ना मारे, अपने आप को कुछ समझे ना, जो मॉडेस्ट रहे, डाउन टू अर्थ रहे, हम्बल रहे, तो मॉडेस्टी। तो शालीनता और शाल अलग वर्ड है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन ये सिमिलर है। तो शाल वर्ड इसमें आता है शालीनता, तो उसके ऊपर एक इंसिडेंट भी मेंशन किया गया है चैप्टर में। तो वो शाल की वजह से शालीनता आती है क्या? मतलब किसी को शाल देंगे, किसी को बहुत सम्मान देंगे तो क्या वो शालीन हो जाएगा? नहीं। तो उसके ऊपर भी डिस्कशन है। तो वही यहाँ मेंशन किया गया इंट्रोडक्शन में कि शाली मुड़े येड़ारा शालीनतेचा संदर्भ, संदर्भ मतलब रेफरेंस, राइट। तो वो शाली मुड़े येड़ारा शालीनतेचा रेफरेंस अंतर्मुख करणारा आहे। अंतर्मुख मतलब अंतर मतलब अंदर, मुख मतलब मुंह, तो सेल्फ, अंदर अपने आप को देखो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने वाली बात है कि शाल की वजह से क्या शालीनता आती है, तो वो बात यहाँ लिखी गई है। पाठाती औदार्याचे, औदार्य मतलब जेनरोसिटी, मतलब पाठ के अंदर हमको दिखता है जेनरोसिटी, औदार्य, जेनरोसिटी चे उदाहरण, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। तो पाठ में, ये चैप्टर में जेनरोसिटी के एग्जाम्पल मार्साची संवेदनशीलता जपराने आए, मतलब के ये चैप्टर में जो जनरोसिटी के एग्जाम्पल है ये मानुस मतलब मैन पर्सन, तो मार्साची मतलब मैन की, चीव लिखते मतलब की, मैन की संवेदनशीलता, संवेदनशील मतलब होना मतलब सेंसिटिव होना, तो ह्यूमंस की, इंसानों की संवेदनशीलता मतलब जपना रे मतलब के संभाल के रखना, तो संवेदनशीलता को प्रोटेक्ट करने वाली यहाँ पे उदाहरण दिए गए है। तो पार्ट चैप्टर में जो जनरोसिटी की एग्जाम्पल दिए गए हैं ये ह्यूमंस की, इंसानों की, इंसान की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी जिंदा रहे, हम अपनी सेंसिटिविटी ना खोए, हम किसी को तकलीफ में देखे तो उसकी तरफ हमारा दिल झुके, हम उसकी मदद करें, तो ये एग्जाम्पल जो है वो इस चीज में हेल्प करेंगे, ऐसे लिखा गया है। वस्तुंच्या संदर्भातील, वस्तु मतलब चीज, थिंग, तो संदर्भ मतलब हम ऑलरेडी देखा, इसलिए मैंने यहाँ फिर से नहीं लिखा, संदर्भ यहीं पे आया था, ये देखो ये रहा संदर्भ, यही लाइन में आया है, शालीनतेचा संदर्भ, शालीनते का रेफरेंस है ना। तो वस्तुंच्या संदर्भातील मतलब वस्तु, चीजों के रेफरेंस में आठवणीचे मोल महत्वाचे असते, मतलब कोई भी चीज होती है उसके रेफरेंस में, उसके कंटेक्स्ट में आठवणी मतलब मेमोरी, मेमोरी का मोल, मोल मतलब वैल्यू, मूल्य, कीमत, तो मेमोरी की कीमत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वस्तु की कीमत नहीं होती एक्चुअली, वस्तु के पीछे जो मेमोरी है,
जैसे आपके पास कोई पेन हो या कोई और चीज हो, वो चीज है, लेकिन वो चीज इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई मेमोरी है, कि किसी ने आपको वो पेन गिफ्ट की या किसी ने वो आपको चीज दी या कुछ वो चीज से रिलेटेड कुछ अच्छी मेमोरी कुछ हो, तो वो आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो लिखा गया। तो ऐसे ये शाल जब ऑथर के लिए, लेखक के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो क्यों इम्पोर्टेंट थी? उसके पीछे जो मेमोरी थी उसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे कोणत्या ही निर्जीव, जीव मतलब जीवन वाला जिंदा, निर्जीव मतलब बिना जीवन वाला, तो जीव निर्जीव भी ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, विरुद्धार्थी शब्द। तो कोई भी निर्जीव वस्तुषी, निगड़ित, निगड़ित मतलब रेलेवेंट के रिलेटेड, मतलब उसके रेलेवेंस में, कोई भी निर्जीव वस्तु की, नॉन लिविंग थिंग की के रेलेवेंस में, असलेले संदर्भ, संदर्भ मतलब फिर से हम आया ये वर्ड रेफरेंस, तो उसके रेफरेंस में मानवी भावना तरल थे। तो कोणत्या ही निर्जीव वस्तुशी रेलेवेंस जो है, उसका जो संदर्भ है, उसके जो रेफरेंस है, तो उससे हमारे मानवीय भावना, जब हम कोई चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके पीछे मेमोरी की वजह से वो चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये रेफरेंस जो है, इससे मानवीय भावना, जो ह्यूमन भावना, जो फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस है, वो तरल रहते, तरल मतलब लिक्विड रहते, मतलब सॉफ्ट रहते, मतलब जिंदा रहते, ऐसे ऊपर ही रहते। तो वो लिखा है, वस्तुशी निगड़ित कोणती ही आठवण असो, अथवा प्रसंग, मतलब वस्तु के रिलेटेड कोई भी आठवण, मेमोरी, बार बार आठवण वर्ड आया है तो आपको याद हो जाना चाहिए, तो कोई भी मेमोरी हो, अथवा, अथवा मतलब और, मतलब वार और इन इंग्लिश, तो कोई मेमोरी हो या प्रसंग, कोई इंसिडेंट हो, कोई मेमोरी है या कोई इंसिडेंट है, प्रसंग मतलब इंसिडेंट, कोई चीज, कोई घटना घटी हो, त्याचे मानवी संदर्भज सर्वार्थ, सर्वार्थाने, मतलब सर्व अर्थ, ये एक्चुअली जो है इसको कहते संधि, तो ये जो है सर्व अर्थ, दो वर्ड को जुड़ा जोड़ा गया है, सर्व मतलब सब, अर्थ मतलब मीनिंग, तो सारे मीनिंग से, तो सर्व अर्थाने महत्वाचे ठरता, महत्वाचे मतलब ऑफ इम्पोर्टेंस, महत्व मतलब इम्पोर्टेंस, मतलब ये चैप्टर महत्व का है, मतलब ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, महत्व, तो सब अर्थ से ये महत्व ठरता, मतलब डिसाइड होता है, ये क्या लिखा है, क्या सब अर्थ से महत्व डिसाइड होता है, वस्तुशी निगड़ित कोणती ही आठवण असो अथवा प्रसंग, कोई भी चीज है, वस्तु के रिलेटेड कोई भी मेमोरी या इंसिडेंट है, उसका मानवी संदर्भ, जो मानवी, मानव भले नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है, लेकिन उसका जो मानवी संदर्भ है, जो ह्यूमन रिलेटेड रेफरेंस है, वही सबसे सर्व हर हर अर्थ से वही महत्व, महत्व का, इंपॉर्टेंस का होता है। ऐसे तो अब देखते हैं शाल की क्या इंपॉर्टेंस है, और शाल से रिलेटेड ऑथर की लाइफ में ऐसे क्या इंसिडेंट्स हुए थे, और कैसे मानवी जो जो मानवी भावना है वो कैसे जिंदा रहती है, कैसे वो खिल के आती है, क्या हम देखते हैं चैप्टर में, हम देखेंगे, शुरू करते हैं। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो, क्या मतलब हुआ इसका, एकदा मतलब एक बार, मैं मतलब ऑथर राघव जाधव, ये कहाँ गए थे, यांच्याकडे, किनके यहाँ, पु ल देशपांडे। अब पु ल देशपांडे कौन है, ये फेमस मराठी राइटर है और ये ह्यूमर राइटिंग में बहुत प्रसिद्ध है, मतलब बहुत फेमस है, तो नेक्स्ट चैप्टर भी एक्चुअली आपका शॉल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4 है उपास, और ये चैप्टर के राइटर कौन है, पु ल देशपांडे, तो ये एक्चुअली कॉमेडी राइटिंग, कॉमिक राइटिंग में बहुत फेमस है, उनका बहुत नाम है, तो उनके यहाँ यांच्याकडे राघव जाधव एक बार काही एक, कोई एक निमित्ता ने, पर्पस से गए थे। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो, मतलब काम होने पर मैं, झाला मतलब हो गया है ना, झाला मतलब हो गया, तो काम झाल्यावर मी निघण्याच्या, निघणे मतलब जाना, तो जाने के बेतात, जाने के प्लान में, मतलब जाने के इरादे में था, बेतात हो तो तेवड्यात, तभी ही सुनीता बाई, सुनीता बाई कौन है, पु ल देशपांडे की वाइफ, मिसेस, तो सुनीता बाई ने मला थांबवले, थांब मतलब स्टॉप, तो ये वर्ड्स नॉर्मल सिंपल मराठी वर्ड्स है, इनकी मीनिंग हमको याद रखने, थाम मतलब स्टॉप, तो सुनीता बाई ने राघव जाधव इनको रुकाया, थांबवले, मला थांबवले, व विचारले, व एंड विचारले, विचार मतलब, विचारना मतलब पूछना, आस्क, तो उन्होंने मुझे रुकाया, मैं तो जाने के इसमें था, लेकिन उन्होंने मुझे रुकाया और पूछा, किसने पूछा, सुनीता बाई ने पूछा, पु ल देशपांडे की वाइफ, उन्होंने क्या पूछा, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का, मतलब तुमको शाल देंगे तो चलेगा क्या, मी एका पायावर हो म्हटले, पाय मतलब पैर, लेग, हो मतलब यस, हो
यस बोलते जैसे हम इंग्लिश में, वैसे अगर मराठी में कोई आपको सवाल पूछा आपको हाँ बोलना है तो आप हो बोलेंगे। तो मी एका पायावर हो म्हटले, म्हटले मतलब बोला। तो कौन रागा जाधव को जब पूछा गया कि आपको शाल देंगे तो चलेगा क्या, तो उन्होंने एक पैर पे हाँ बोला, मतलब जल्दी से हाँ ही बोला, हाँ क्यों नहीं चलेगा। ऐसे पुल व सुनीता बाई यानी मला शाल दियावी, हा मला मोठा गौरव वाटला। गौरव मतलब ऑनर, ये मेरा ऑनर हो रहा है अगर पुल देशपांडे और सुनीता बाई हम मुझे शाल देंगे तो, ये मुझे ये, हा मला मोटा, बड़ा, मोटा मतलब बड़ा, हिंदी में मोटा मतलब मोटा होता है कोई फैट है, मोटा यहाँ पे मराठी में मोटा होता है, मोटा नहीं मोटा, और इसका मतलब होता है बड़ा, तो ये मुझे बड़ा गौरव लगा, इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी, ऐसे वो बोला हा मला मोटा गौरव वाटला, वाटला मतलब लगा, तुम्हारा काय वाटते ऐसा पूछते मराठी, मतलब तुमको क्या लगता है ऐसे। मी ती शाल मी माझ्या खोलीत लिया सूटकेस मध्ये ठेवून दिली, तो वो शाल उन्होंने राघव जाधव ने माझिया मतलब अपनी खोली, खोली मतलब अपने रूम में, खोलीत लिया सूटकेस, एक सूटकेस में ठेवून दिली मतलब वहां पे रख दी। वापरली मात्र कधीच नहीं, मात्र मतलब सिर्फ, वापर सिर्फ ओनली मतलब जैसे कोई ऐड करते तो बोलते ना मात्र सिर्फ 10 रुपए में, तो वैसे मात्र 10-10 रुपए ऐसे, तो वापर ली कभी उसको, मात्र मतलब सिर्फ ऐसे ओनली, तो सूटकेस में रूम में रख दी शाल, वापर ले मात्र कदीज नहीं, सिर्फ उसको कभी वापरा नहीं, उसको कभी यूज नहीं किया। कभी कोई ऐसी गिफ्ट हमें मिलती है जो हमें, हमारे लिए बहुत वैल्यू की होती है और वो एक्चुअली यूज करेंगे तो वो फिर पुरानी हो जाएगी, फिर उसको निकालना पड़ेगा, तो हम उसको संभाल के रखते, हम उसको यूज नहीं करते, बाद में ऐसे ऐसे नॉर्मल यूज करके कैसे उसे खत्म करते, तो वैसे उन्होंने भी उसको वापरा नहीं, उसको संभाल के रखा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, तो यहाँ पे एक्चुअली एक इंसिडेंट पूरा हो गया, जो एक इंसिडेंट ये था कि उनको शाल दी गई और वो शाल उन्होंने संभाल के रख दी, वापरी नहीं। अब नेक्स्ट इंसिडेंट आ रहा है पुढ़े, पुढ़े मतलब आगे, तो आगे अब क्या हुआ, वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। वाई क्या है, रेड में मार्क डे, ये जगह का नाम है एक्चुअली, वाई टाउन है सातारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे वो वाईला मतलब वाई में गए थे, कहाँ म्हणून मी गेलो मतलब क्या बन के गए थे, विश्वकोशाचा अध्यक्ष, विश्वकोश विश्व मतलब वर्ल्ड, तो विश्वकोश जो जैसे एनसाइक्लोपीडिया होती है जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, तो वो ऐसे करके विश्वकोश, मराठी विश्वकोश भी है ऐसे, तो वहां उसके वो अध्यक्ष थे, विश्वकोशाचा अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब चेयरमैन, तो कौन चेयरमैन थे, ऑथर राघव जाधव, तो वाई में वो गए थे विश्वकोश का अध्यक्ष के हैसियत से वो वहां गए थे, म्हणून मी गेलो होतो। तो क्या हुआ वहां पे, तिथे तिथे नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे, मतलब वहां पे तिथे वहां पे नदी काठ मतलब नदी के किनारे पे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, कौन सी पाठशाला थी वहां पे, प्राज्ञ पाठशाला, तो ये प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोली, वहां की उसकी खोली में वो रह रहे थे, तो वो नई जगह पे गए थे तो वहां उनको खोली दी गई थी रहने को, तो वो वहां पाठशाला की खोली में रह रहे थे। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडकिया कृष्णा नदीच्या चिंचोड़िया प्रवाहावर होत्या, मतलब क्या, खोली की दक्षिण, दक्षिण क्या होता है, डायरेक्शन साउथ, दक्षिण भारत बोलते हैं ना, दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, उत्तर, उत्तर मतलब आंसर भी होता है और उत्तर का मतलब नॉर्थ भी होता है, दोनों मराठी में भी और हिंदी में भी, तो उत्तर और दक्षिण, दक्षिण होता है न होता है, यहाँ पे न होता है, तो खोलीच्या दक्षिणेकडील मतलब खोली के साउथ साइड पे जो खिड़की थी, वहां की खिड़की जो थी कृष्णा नदी की, मतलब वहां की खिड़कियां जो थी कहाँ, कृष्णा नदी को, ये जैसे हमने देखा वाई जो है वहां पे कहाँ पे प्राज्ञ पाठशाला में वो रह रहे थे, वो कहाँ थी, नदी किनारे, वो नदी का नाम यहाँ पे आ गया, कौन सी नदी के किनारे, कृष्णा नदी, तो जो खोली की जो साउथ की खिड़की खिड़कियां थी वो कृष्णा नदी या चिंचोड़िया, चिंचोड़िया मतलब नैरो पतली, प्रवाह मतलब फ्लो, तो वहां पे कृष्णा नदी की पतला से फ्लो होता था, फ्लो होती थी रिवर, तो वहां पे वो दक्षिण की खिड़की वहां पे वो नजारा देती थी, वो व्यू देती थी। हा? तो चिंचोड़िया प्रवाहावर ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये दो टर्म्स मतलब नैरो फ्लो, कृष्णा नदी का जो फ्लो था वहां नैरो फ्लो था। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याचा उद्योगात होती,
मतलब क्या हुआ, ठंडी च दिवसात, मतलब सिंपल है आपको समझ आ जाएगा, ठंडी के दिनों में एक बाई, एक लेडी, बाई मतलब मराठी में बाई बोलते हैं लेडी को, तो एक बाई माझ्या खिड़की खाली, मतलब मेरी खिड़की के खाली, खाली मतलब नीचे। अब ये सिंपल वर्ड्स मराठी का आपको याद रखने, ऑपोजिट्स में आपको बता रही हूँ, वर खाली, वर मतलब ऊपर, खाली मतलब नीचे, तो मेरी खिड़की के नीचे घाट जो था, घाट के छोटे से तट पर, छोटे से उस तट मतलब जैसे बैंक हमने बोला जैसे, तो एक छोटा सा तट था वो घाट नदी के किनारे ऐसे, तो वहां पे उसके छोटे मूल, मूल मतलब बच्चा, तो नीचे छोटे मूल, उसके छोटे मूल को एक टोपलीट, टोपलीट मतलब टोकरी, बास्केट, तो एक टोकरी में अपने बच्चे को ठेवन, ठेवने मतलब रखना, तो उसको अपने बच्चे को एक छोटी सी टोकरी में रख के मासे, मासे मतलब मास मतलब फिश, तो फिश पकड़ने आचिया उद्योग, उद्योग मतलब बिजनेस, तो वो फिश पकड़ने का जो काम में वो लगी हुई थी वहां पे, वो उसका बिजनेस था। तो ये यहाँ पे मेंशन है कि एक दिन ठंडी के दिनों में एक ये इंसिडेंट हुआ। तीचे बार कड़ाक क्या चिया ठंडी ने कुड़कुड़त रदत होते, मतलब क्या हुआ कि उसका बच्चा बहुत ठंडी थी ऐसे, बहुत कड़कती हुई ठंडी थी ऐसे, तो वो कड़क क्या ठंडी में कुड़कुड़त मतलब शिवर होते ना हम धुजते, तो शिवर होते हुए वो बच्चा क्या कर रहा था, रड़त होते मतलब रो रहा था, रड़त, रड़े मतलब रोना, हंसने मतलब हंसना, तो ये भी ऑपोजिट है, हंसने का ऑपोजिट होता है रड़े, तो ये बच्चा रो रहा था। पण आए तिकड़े बगत ही नौते, मतलब लेकिन, पण मतलब लेकिन, आई तिकड़े मतलब उधर, तिकड़े मतलब उस तरफ, इकड़े तिकड़े मतलब इधर उधर, तो ये भी ऑपोजिट है, बग मतलब देखना, सी, तो ये दो दो अल्फाबेट्स के वर्ड है, बग ब और घ, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, मराठी सिंपल मराठी वर्ड्स इजीली आने चाहिए, बग बस, बस मतलब बैठो, तो बग मतलब सी, एक मतलब सुन, लिसन सुनो, तो पण आई तिकड़े बगत ही नवती, मतलब वो बच्चा रो रहा था, उसको ठंड लग रही थी, वो शिवर हो रहा था, लेकिन आई क्या कर रही थी, मासे पकड़ रही थी और उस तरफ देख ही नहीं रही थी, नवती। मला मात्र रहावले नहीं, मतलब मुझे सिर्फ, मुझसे सिर्फ रहा नहीं गया, है ना, मात्र हमने यहाँ पे देखा था, सिर्फ मुझसे रहा नहीं गया, ऐसे कौन कह रहा है, ऑथर राग जाधव। मी सूटकेस मधील पुलकित शाल काली काट ली, मतलब क्या हुआ कि मैंने सूटकेस में से पुलकित शाल, पुलकित शाल, ये पुलकित वर्ड एक्चुअली कोई वर्ड नहीं होता, पुलकित का कोई मीनिंग नहीं होता, पुलकित यहाँ पे एक नया वर्ड बनाया गया, किससे बनाया गया कि वो शाल जो पुला देशपांडे ने दिया था, उन्होंने जो दिया था वो, तो पुलकित शाल बोला गया उसको, तो ये एक्चुअली स्पेशल वर्ड बनाया गया यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस में भी है, तो ये आपको ये याद रखना है, जैसे चिंचोड़ प्रवाह मैंने बोला वैसे ये पुलकित शाल, तो उन्होंने सूटकेस में से पुलकित शाल काढ़ ली मतलब निकाली। 550 रुपया नोटा काढ़ लिया, मतलब 550 मतलब 550 रुपया ऐसे निकाले, नोट निकाली और नोटा मतलब 550 की नोटे निकाली और काढ़ लिया, वह त्या बाईला हाक मार ली, मतलब हाक मारने मतलब बुलाया, कॉल आउट, तो वो मतलब शाल और पैसे उनको देना है अभी, तो वो निकाल के वो बाई को हाक मार ली। खिड़की तुन ते सर्व खाली दिले, मतलब खिड़की से ही सब कुछ, क्योंकि नदी की खिड़की के नीचे, वो साउथ में खिड़की थी, दक्षिण खिड़की के नीचे ही है, कृष्णा नदी का प्रवाह था, वहीं पे वो बाई थी बच्चा बच्चे के साथ, तो वहीं पे उसको हाथ मार ली बाई, उसको खिड़की में से सब कुछ नीचे दिए, खाली दिले, आणि म्हटले त्या बाळाला आधी, आधी मतलब पहले, फर्स्ट, आधी नंतर, ये भी ऑपोजिट है, मतलब आधी मतलब पहले ये करो, नंतर मतलब बाद में, तो त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ, मतलब के उसको शाल में लपेटो, रैप अप करो, और आणि मग मासे मारत बैस, मतलब ये राघव जाधव ने उस बाई को कहा कि पहले बच्चे को शाल में लपेटो और फिर मग मतलब लेटर, लेटर आप मासे मारने के लिए बैठो, तो ये उन्होंने कहा। या घटनेची ऊब, मतलब ऊब मतलब वॉर्म्थ, पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती, मतलब ये घटना, ये इंसिडेंट की जो वॉर्म्थ है वो पुलकित शाल, पुलकित शाल मिली तो भी मुझे अच्छा लगा होगा, वॉर्म्थ मिली थी ऑथर को, तो वो पुलकित शाल की ऊब जो है, और एक्चुअली शाल का काम होता है ठंडी से बचाना, वॉर्म्थ देना, तो पुलकित शाल जो ओढ़ के जो वॉर्म्थ मिलेगी उसे, ये जो घटना की वॉर्म्थ है
कि मैंने दे दी, मेरे पास अब पुल की चाल नहीं है ऑथर के पास, लेकिन वो देने से जो मुझे जो वॉर्म्थ मिली कि मैंने कुछ अच्छा किया, किसी बच्चे को ठंडी से बचाया, तो वो घटने की जो इंसिडेंट का जो वॉर्म्थ है वो पुलकित शालिच्या उभयपेक्षा अधिक है, अधिक मतलब ज्यादा है, पेक्षा मतलब कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन, है ना। तो ये हो गया और एक इंसिडेंट। तो पहला इंसिडेंट था शाल मिली, दूसरा इंसिडेंट था ये जो वाई में हुआ, जो प्राज्ञ पाठशाला की खोली की खिड़की के नीचे, जो कृष्णा नदी के तट पर। अब तीसरा इंसिडेंट देखते हैं। कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलने गाजवत, मतलब कविवर्य मतलब ये फेमस कवि है नारायण सुर्वे, उन्होंने बहुत खूब मतलब बहुत सारी सभा सभा और सम्मेलन जो होते हैं, जो कवि सभा सम्मेलन करते हैं, तो बहुत सारी सभा सम्मेलन उन्होंने देख उन्होंने ली थी, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, फ्लरिशिंग सभा सम्मेलन उनकी होती थी। पुढ़े ते साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष ही झाले। अब कौन है? नारायण सुर्वे, वो पुढ़े मतलब आगे, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा पुढ़े वाहिला, तो पुढ़े मतलब आगे जाके वो साहित्य सम्मेलन मतलब साहित्य मतलब लिटरेचर, तो साहित्य सम्मेलन जो है, जो राइटिंग का सम्मेलन जो होता है, उसके भी अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष फिर से चेयरमैन। तो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कविवर्य नारायण सुर्वे हुए थे, और जो यहाँ पे था विश्वकोश के अध्यक्ष वो राइटर खुद हुए थे। ये आपने अभी यहाँ पे पुल देश पांडे देखा, मैंने कहा पुल देश पांडे ऑथर है नेक्स्ट चैप्टर के, उपास चैप्टर के, जो एक बहुत ही फनी चैप्टर है, वैसे ही यहाँ पे जो नाम आया है कविवर्य नारायण सुर्वे, तो ये भी आपके चैप्टर में आएगा 2 दिवस, जो उपास के बाद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नहीं वो पोयम है, कविता है 2 दिवस, वो कविता के जो पोएट है वो है कविवर्य नारायण सुर्वे। तो ये आगे नेक्स्ट 2 चैप्टर पोयम में ये है ही नाम, तो ये उनके बारे में अब ये इंसिडेंट है। तो पुढ़े वो क्या साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब चेयरमैन, तो वो कविवर्य नारायण सुर्वे यहाँ पे चेयरमैन हाले। परिणामत मतलब परिणामतः मतलब इसकी वजह से, एज अ रिजल्ट, परिणाम मतलब के रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, तो एज अ रिजल्ट त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे, अहोरात्र मतलब डे एंड नाइट, दिन हो या रात, तो दिन रात उनके कार्यक्रम में भर्ती, भर्ती मतलब भर भर के लोग आते थे, जैसे भर्ती का टाइम होता है हाई टाइड होती है, बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो हाई फ्लो ऐसे मतलब, तो वो अभी फेमस थे, उसके बाद साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए, तो इसके वजह से क्या हुआ, परिणामतः मतलब एज अ रिजल्ट उनके कार्यक्रम में दिन रात भर्ती होती थी, मतलब बहुत लोग आते थे। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत असे, मतलब के हर प्रत्येक मतलब एवरी, अब ये प्रत्येक वर्ड भी बहुत कॉमन वर्ड है, तो आपको ये मीनिंग याद रखना है, प्रत्येक मतलब एवरी, एवरी कार्यक्रम, एवरी प्रोग्राम में उनको सम्मान की 2 चीजें मिलती थी, क्या हमने देखा था चैप्टर शुरू होने के टाइम पे, इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया, सम्मान देने के लिए क्या देते, शाल व श्रीफळ, श्रीफळ मतलब कोकोनट, तो त्यांना मिळत राहे, तो वो उनको मिलते रहती थी, मतलब इतने फेमस थे वो, इतने कार्यक्रम करते थे, तो बहुत सारे शाल बहुत सारे श्रीफळ मिले। एकदा ते मला म्हणाले, एक दिन उन्होंने मुझे बोला, एक बार उन्होंने मुझे बोला, किसको बोला, ऑथर को, राग जाधव जी को, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे, मतलब ये शाल उनको सम्मान की शाल मिलती जाती थी, तो ये ले लेके, घे मतलब लेना, तो ले लेके मैं अब शालीन हो गया हूँ, मतलब शाल शालीन ऐसे उन्होंने फनी वे में पोएट थे तो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया। शालीन का क्या मतलब होता है, हमने देखा शालीनता, शालीनता मतलब मॉडेस्टी, तो वो बोल रहा है कि शाल ले लेके मैं शालीन हो गया, तो शालीन अभी मॉडेस्टी, तो शाल ले लेके नहीं आएगा, तो इसके ऊपर अभी ऑथर ने अपनी जो राय है वो दी है। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक, उपरोधिक मतलब सार्कास्टिक, सार्कासिज्म है, मतलब के जैसे बोलते हैं ना, हाँ तू तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, पढ़ पढ़ के थक गया है, हालांकि तुमने पढ़ाई नहीं की हो इतनी, पर आपको ऐसे ताना मार के बोला जाता है, तो सार्केस्टिकली बोला जाता है, तो वैसे उपरोधिक खोज मतलब ऐसे सार्केस्टिक टोन, तो ये जो बोला गया उन्होंने ये बोला, तो उसमें ये बोलने में जो सार्केस्टिक टोन था, माझ्याच नव्हे मेरे नहीं कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती, मतलब कि ये किसी के भी सहजपणे मतलब सिंपली सिंपली ये किसी के भी ध्यान में आएगा कि ये जो बोला गया वो एक्चुअली सार्केस्टिकली बोला गया कि शाल लेके शालीन हो गए। शाल व शालीनता यांचा संबंध का है, शाल और शालीनता इसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। खरे तर, खरे मतलब ट्रूली, अगर ट्रूली बोलो तो खरे, जैसे अपोजिट होगा इसका खोटे, खरे खोटे,
तो खरेतर खरी खुरी शालीनता मतलब सचमुच की शालीनता, शाली विनाच शोभते मतलब सचमुच की शालीनता मॉडेस्टी होनी चाहिए तो वो शाल के बगैर होगी, शाल होगी तो मॉडेस्टी नहीं आएगी। इतना सम्मान मिलेगा, इतना किसी को आप बहुत सम्मान दोगे तो उसके अंदर थोड़ा तो आएगा कि हाँ मैं कुछ हूँ। तो शाली के बिना, बिना मतलब बिना, शाली बिना शोभते शोभा देती है मतलब सचमुच की शालीनता शाल के बिना ही शोभा देती है ऐसा। तो ये किसकी राय है? ये लेखक की राय है, रागा जाधव जी की। सुरवे मुड़ातत शाली मतलब जो ये कविवर्य नारायण सुरवे थे वो लेखक कह रहे हैं कि वो तो बेसिकली शालीन थे ही, वो ऐसे हवे में या अपने आप को कुछ समझने वाले ऐसे नहीं थे, वो शालीन ही थे। तो वो तो बेसिकली शालीन थे ही, तो उनको शाल मिलने से शालीनता नहीं आ गई। शालीनच्या वर्षावा खाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नहीं, मतलब इतना शाल मिलने, शाल की वर्षा हो रही थी, वर्षा मतलब बारिश, तो शाल की बारिश के नीचे उनकी वर्षावा खाली भी उनकी शालीनता जो है, उनकी मॉडेस्टी जो है कभी हरवली नहीं, कभी हरवली नहीं। हरवली मतलब गुम जाना, लॉस्ट हो जाना, तो हरवली नहीं, उन्होंने कभी अपनी शालीनता खोई नहीं। कभी क्षीण ही झाली नहीं, क्षीण मतलब कि कम हो जाना या खत्म हो जाना, तो कभी वो शालीनता उनकी गई नहीं, कभी कुछ एग्जॉस्ट भी नहीं हुई, उनकी शालीनता हमेशा रही। उनको सब इतना सम्मान देते तो भी वो हमेशा मॉडेस्ट थे। कौन? कविवर्य नारायण सुर्वे। तो अब ये तो उनका थॉट हो गया लेखक का इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में। आगे अब उन्होंने कविवर्य नारायण सुर्वे जी से कुछ कहा। क्या कहा? मी कविवर्यांना म्हटले, शाली मुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्ज बाजारी होईल। मतलब के अगर शाल की वजह से शालीनता आती है तो मैं कर्ज बाजारी हो जाऊंगा, मतलब कर्जा लूंगा, डेट्स ले लूंगा। भिकेला लागे मतलब भीख मांग लूंगा। पण लेकिन सैकड़ो शाली, सैकड़ो मतलब सैकड़ो जैसे बोलते हैं हम हिंदी में, हंड्रेड्स ऑफ, तो हंड्रेड्स ऑफ शाल खरीदी करूंगा शालों की, और सर्वाना सबको एक एक शाल लगेज नेऊन देईन, मतलब सबको एक एक शाल दे दूंगा। अगर शाल से ही शालीनता आती है, सब लोग मॉडेस्ट हो जाएंगे तो फिर अच्छा है, मैं बहुत सारा कर्ज ले लूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन सबको सैकड़ों शाल, हंड्रेड ऑफ शाल लूंगा और सबको सर्वाना सबको एक एक शाल दे दूंगा, लगेज मतलब इमीजिएटली नेऊन देईन। यावर तो शालीन कवि मनापासून हसला। तो इसके ऊपर ये जो रागा जाधव जी ने कहा, इसके ऊपर वो शालीन कवि जो वो मॉडेस्ट कवि थे कविवर्य नारायण सुर्वे, वो मनापासून मतलब मन से दिल से हसे, हसला। शाली मुड़े शालीनता येते की जाते। अब फिर से ऑथर की सोच यहाँ आ रही है कि शाल की वजह से शालीनता आती है कि जाती है, येते की जाते, ये भी एक्चुअली ऑपोजिट है, येड़े जाने, तो येते की जाते आती है कि जाती है, वो ऑथर पूछ रहे। या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असे जाए, मतलब ये अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा जवाब क्या है, ये प्रश्न, क्वेश्चन का उत्तर क्या है, उत्तर मतलब आंसर। तो अब देखो उत्तर भी एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं, प्रश्न उत्तर भी होता है और दक्षिण उत्तर भी होता है, जो हमने ऊपर देखे कि कृष्ण नदी जो थी दक्षिण की तरफ बहती थी, दक्षिण मतलब साउथ, उत्तर मतलब नॉर्थ, लेकिन उत्तर का मतलब ये भी होता है, प्रश्न उत्तर जैसे हम करते हैं, तो दो उत्तर के दो मीनिंग है, तो कंटेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग पता चलता है। तो या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असे चाहे, मतलब अगर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाएगा तो मेरा जवाब होगा कि शाल की वजह से शालीनता चली जाती है। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। मतलब ये सम्मान देने के रूप में जो हम ये शाल देते हैं तो इससे तो एक शालीन जग गुम जाएगा, हम खो देंगे शालीन जग मतलब एक मॉडेस्ट जग दुनिया हम खो देंगे। गमावून मतलब लॉस्ट, जैसे यहाँ पे हरव ले था लॉस्ट, ये गमावून का मतलब भी वही होता है, हम खो देंगे, खोने का धोखा, धोखा मतलब डेंजर बहुत बड़ा है, मतलब अगर सम्मान देते देते ये शाल देते जाएंगे हम तो एक शालीन जग, हम शाल दो या कैसे भी अगर किसी को बहुत सम्मान देते हैं तो शालीनता नहीं रहती। तो वही है, तो वही ऑथर कह रहे कि सम्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोखा, इसका जो डेंजर है वो बहुत बड़ा डेंजर है, ये वो अपनी सोच बता रहे ऑथर। तो ये अब तीसरा इंसिडेंट पूरा हुआ, पहला इंसिडेंट शाल मिली, दूसरा इंसिडेंट जो बाई को शाल दी, तीसरा इंसिडेंट जो ये कविवर्य नारायण सुर्वे जी के साथ जो बातचीत हुई कि शाल की वजह से शालीनता आती है कि जाती है, तो उसके ऊपर पूरा डिस्कशन उन्होंने अपनी सोच बता के किया है। क्योंकि कविवर्य नारायण सुर्वे जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि शाल ले लेके मैं शालीन हो गया हूं। तो ये तीन इंसिडेंट्स हो गए, अब चौथा इंसिडेंट आता है।
मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिन विरोध अध्यक्ष झालो। तो पहले वाई में गए थे वो विश्व कोषाचा अध्यक्ष बन के, कविवर्य नारायण सुर्वे साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। अब फिर से लेखक के बारे में है, मी मतलब लेखक राग जाधव, ये 2004 इस साल में मराठी साहित्य सम्मेलन, तो ये भी साहित्य सम्मेलन ही था, तो ये मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष लेखक भी बने थे राग जाधव जी, बिन विरोध। बिन विरोध मतलब विरोध करना, मतलब अपोज करना, कोई अपोजिट में आना, तो बिन विरोध मतलब कोई उनके अपोजिशन में नहीं था, बिना विरोध के वो अध्यक्ष बने थे 2004 में। तत्कालीन मतलब तत्काल, जैसे हम रेलवे टिकट भी बुक कराते तत्काल टिकट होती है, तो तत्काल मतलब शॉर्ट नोटिस पे, इंस्टेंटली। तो तत्कालीन एक दोन वर्षान माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला। अब ये भी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए, तो इनके ऊपर भी शाल देने लगे सब लोग, तो इतनी शाल जमा हो गई इनके पास भी। तो एक दो तत्कालीन मतलब शॉर्ट नोटिस पे, एकदम थोड़े टाइम में, एक दो साल में ही माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला, बारिश यहाँ पे भी आया था ना शालीचा वर्षाव, तो ये इनके ऊपर भी, अथर के ऊपर भी शाली का वर्षा, शाल की वर्षा हुआ। एवड़िया शाली जमत गेलिया, मतलब इतनी शाल जमा हो गई कि माझिया 8x6 मतलब 8x6 की खोली थी उनकी, छोटी सी खोली थी, तो माझिया 8x6 च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते। शक्य मतलब पॉसिबल, शक्य अशक्य, शक्य मतलब पॉसिबल, अशक्य मतलब इम्पॉसिबल। तो बोलेंगे ना ये शक्य नहीं है, शक्य नहीं मतलब ये पॉसिबल नहीं है ऐसे। तो ये जो है वो इतनी शाल जमा हो गई कि 8x6 की खोली में उनकी वो ठेवड़े मतलब रखना पॉसिबल नहीं था, शक्य नव्हते। तो क्या क्या उन्होंने, मग मी सगळ्या शाळीचे गोठाळे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याच्या वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। मतलब मग मतलब तो फिर मैं सारी शाल, सगळ्या मतलब सारी शाल का गोठाड़े क्या, गोठोड़े मतलब क्या, एक जैसे हम गठरी बनाते, जैसे बंडल बना देते, तो पूरे एक गोठोड़े किया उसका, शाल का सारी बांधून एक गठरा बांध के निकटवर्ती मतलब, निकट मतलब पास, जो पास मतलब एक क्लोज फ्रेंड जो थे, मित्र थे, निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले, उनके पास रख दिया। और वह मतलब एंड, और त्या शाली वापरण्याचे मतलब वो शाल उन्होंने दिया, उनको रख दिया उनके पास, और बोला कि वो शाल आपको वापरना है वगैरह कुछ भी करना है, तो वो सर्व अधिकार, सर्व मतलब सारा अधिकार, सर्वाधिकार, ऑल राइट्स, मतलब सारे राइट्स उनको दिए कि आपको जो करना है आप करो ये शाल के साथ। बिचारा अति प्रामाणिक, मतलब वो जो फ्रेंड था ऑथर के, तो वो बिचारा कैसा था, अति प्रामाणिक मतलब, अति प्रामाणिक मतलब ऑनेस्ट, अति मतलब बहुत, है ना, सुंदर, अति सुंदर जैसे कहते हैं, तो अति प्रामाणिक, वेरी ऑनेस्ट, तो वो बहुत ऑनेस्ट थे। त्याच्या ही छोटिया खोली त्याने ते संभाल ले, मतलब वो छोटी सी उनकी भी खोली छोटी थी मित्र की भी, लेकिन उस छोटिया सा खोली में भी उन्होंने सब शाल संभाल के रखी। क्या हुआ, हळू हळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रीमंतांना, मतलब के हळू हळू मतलब धीरे धीरे मैंने सारी शाल जो है वाटली, मतलब के वाटून टाकली मतलब बांट दिया, किसको, गरीब जो श्रीमंतांना मतलब श्रमिकांना, सॉरी श्रमिकांना, श्रमिक मतलब श्रम करने वाला, श्रम मतलब काम, लेबरर्स, लेबर करने वाला, तो जो गरीब लेबरर्स थे उनको मैंने सारी शाल बांट दी धीरे धीरे। तो अब ये चौथी बात भी हमको ऑथर ने बता दी कि उनके पास भी शाल जमा हो गई और उन्होंने धीरे धीरे बांटी। अब क्या आता है नेक्स्ट इंसिडेंट, मतलब याच सुमारास, मतलब इसी टाइम में याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे, मतलब के ये यही टाइम में, इसी टाइम के आसपास जब मैं अध्यक्ष बना, बहुत सारी शाल आई, तब ये टाइम में ही मैं शनिवार पेठ, शनिवार पेठ एक जगह है पुणे में, तो यहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर है, तो ओंकारेश्वर मंदिर के पुल, वहां के पुल जो है, वहां के पुल पे बहुत बार, मोस्टली मोस्टली रोज, मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट एवरीडे जैसे बोलते हैं ना हम लोग, बहुधा मोस्टली रोज संध्याकाळी जात असे, इवनिंग में, है ना, सकाळी मतलब मॉर्निंग, संध्याकाळी मतलब इवनिंग, तो सकाळी संध्याकाळी, तो इवनिंग में, मोस्टली इवनिंग में जाता था ऐसे। तेथील कट्यावर, मतलब वहां पे जो प्लेटफॉर्म था, कट्यावर बसणे मला आवडे, मतलब उस दर कट्टे पे बैठना मुझे अच्छा लगता था। एक दिवस काय घडले कि, मतलब घडले मतलब कुछ हुआ,
कुछ घटना घटी जैसे हम बोलते ना, तो एक दिवस काय घडले, कुछ हुआ कि कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा, म्हातारा मतलब बूढ़ा, ओल्ड म्हातारा, उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग करेंगे, स्त्रीलिंग करेंगे तो हो जाएगा म्हातारी, तो वैसे। तो एक दिवस काय घडले कि कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त, अशक्त मतलब जिसके पास शक्ति नहीं है, तो शक्त अशक्त ये भी ऑपोजिट्स हो गए। तो एक बूढ़ा वीक, अशक्त मतलब वीक कमजोर, भिक्षेकरी, भिक्षेकरी मतलब भिखारी, बेगर, कटियाला लागूनच मतलब कट्टे को प्लेटफॉर्म को लग के ही, चिरगुटे, चिरगुटे मतलब एक चीथड़ा, रैग जो बोलते हैं ऐसे फटा हुआ कपड़ा, टाकून मतलब एक डाल के वो पांगरून, तो एक उसने टाका मतलब रखा ऐसे फैला दिया उसको उधर, और एक पांगरून, पांगरून मतलब अपने आप को कवर करके, कुड़कुड़त बसलियाचे मी पहले, तो ये उन्होंने देखा एक दिवस ये ठंडी के टाइम में, ये उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा वीक कमजोर भिखारी एक एक टुकड़ा बिछा के, फटावा टुकड़ा बिछा के, और एक अपने आंग पे डाल के कुड़कुड़ती ठंडी में कुड़कुड़ते हुए वो बैठा था। दूसरे दिवसी मी दोन शाली घेऊन उनके ओंकारेश्वर आचिया कटियावर आलो, तो दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, दो शाल ली और यहाँ पे कट्टे पर आए, ओंकारेश्वर चिया कट्टे पर आए, तो म्हातारा होता, तो वो जो ओल्ड मैन था वो वहां पे था, त्याला दोनों शाली दिया, उसको दोनों शाल दे दी, त्याने थर थर त्या हातानी मला नमस्कार केला, तो जब किसी गरीब को हम कुछ देते तो वो हाथ जोड़ के हमें नमस्कार करते, मतलब शुक्रिया अदा करते, थैंक यू कहते, तो वो उन्होंने भी नमस्कार किया, तो कांपते हुए, थर थर त्या मतलब कांपते हुए, ठंडी का टाइम था तो थर थर त्या हातानी मला नमस्कार केला, ठीक है। पुढे चार पांच दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नाही, मतलब पुढे मतलब आगे चार पांच दिन के लिए मुझे कोई काम की वजह से शाम में ओंकारेश्वर जाने का उसंत, उसंत मतलब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, लाभ 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 मतलब फायदा है ना, लाभ हुआ के नुकसान हुआ, मतलब नफा नुकसान जैसे कहते हैं, तो लाभ मतलब नफा फायदा, तो कोई उसका मुझे जाने का फायदा मतलब अपॉर्चुनिटी का मुझे फायदा हुआ नहीं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं। त्यानंतर मी नेहमी प्रमाणे ये जा करत रही, फिर उसके बाद मैं हमेशा की तरह, नेहमी प्रमाणे मतलब हमेशा की तरह, एज ऑलवेज आते जाते रहता था। मग एकदम त्या भिक्षेकड़ी वृद्धाची आठवण आली, फिर एकदम वो भिक्षेकड़ी जो था, वो भिखारी जो था, वो वृद्ध, वृद्ध मतलब फिर से बूढ़ा, तो यहाँ मातारा है यहाँ पे वृद्ध है, दोनों का मतलब वही होता है, तो ये एक्चुअली समानार्थी शब्द हो जाएगी, वृद्ध और मातारा सेम मीनिंग है, ओल्ड, तो वो ओल्ड भिक्षेकरी का आठवण मतलब याद आई मुझे, रिमेम्बर किया मैंने उसको, आठवण आली, तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हता, वो हमेशा की जगह पे नहीं था, नेहमी यहाँ पे आया, एज ऑलवेज मतलब हमेशा का, हमेशा की जगह पे, ठिकाण मतलब जगह ठिकाना, तो वो नेहमी की जगह पे नहीं था, तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो, वह पुलावरून चालू लागलो, फिर वहां पे कट्टे पे बैठे बैठे फिर उसका सोचा पुल के पुले पुल पे चक्कर लगाएंगे, तो इसलिए म्हणून मतलब इसलिए मैं उठा और पुलावरून चालू लागलो और पुल के ऊपर से चलने लागला, पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला, मतलब पुल के आसपास बीच में ही वो मध्य मतलब बीच में है ना, मध्य बोलू नकोस मतलब बीच में बोलो नहीं है ना, तो मध्यावर मतलब बीच में वो भिक्षेकरी म्हातारा दिखा, ऑथर को दिखा, मी लगबगीने, लगबगीने मतलब जल्द जल्द जल्दी से हरीडली, मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो, मैं जल्दी से उसकी तरफ गया, पाहतो तो काय देखा तो क्या, पहाने मतलब देखना है ना, पाहा मतलब भी बग और बग मतलब भी देख, तो पहा मतलब देखो, पाहतो तो काय देखा तो क्या, तीज चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, वही जो चिरगुट मतलब वही फटी फटा हुआ जो कपड़ा था वो आंग के नीचे भी मतलब खाली मतलब नीचे है ना, तो आंग के नीचे भी मतलब वही बिछाकर और वही आंग पे ओढ़कर वो भिखारी बैठा था, वंगावर तेज कुड़कुड़ने मतलब तो पहातो तो काय, तीज चिरगुटे अंगा खाली वंगावर तेज कुड़कुड़ने, वैसा ही कुड़कुड़ रहा था ठंडी में, वो शिवर कर रहा था और तेज दीनवाणे जी मतलब के पुअर एकदम एकदम पिटिएबल कंडीशन में एकदम बुअर हालत में वो वैसे ही जी रहा था, मी म्हटले बाबा तुम ही मला ओळखले, मैंने ऑथर ने उनको कहा बाबा क्या तुमने मुझे पहचाना ओळखले,
त्याने नकारार्थी मान हलवली, मतलब मान मतलब गर्दन नेक, तो उन्होंने नकारार्थी मतलब हो मतलब हाँ, तो नकारार्थी मतलब ना, है ना, तो ना बोलते हुए नेगेटिव में उन्होंने मान हलवली, मतलब जैसे हम हाँ के लिए ऐसे ऊपर नीचे गर्दन करते, ना के लिए लेफ्ट राइट गर्दन करते, तो उन्होंने लेफ्ट राइट गर्दन वो भिक्षकरी ने हिलाई, मतलब कि नहीं, उन्होंने पूछा कि क्या मुझे आप पहचाने, मतलब ओढ़ख ले, तो भिक्षकरी ने जवाब मुंह से नहीं दिया, मुंडी हिला के किया कि नहीं। मग मीच म्हटले, फिर मैंने ही बोला, मतलब ऑथर ने कहा, बाबा 5-6 दिवसापासून मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते, मतलब उन्होंने कहा 5-6 दिन पहले, पूर्वी मतलब पहले 5-6 दिन पहले मैंने तुम्हें 2 शाली दिल्या होत्या, मैंने 2 शॉल्स आपको दी थी, आठवते, याद आया। यावर महतारा खुल्ला, खुल्ला मतलब वो खुश हो गया, मतलब उसको उसको भी याद आया, तो वो हंस मतलब डिलाइटेड हो गया, महतारा खुल्ला वो पुनः और फिर से हाथ जोड़ून म्हणाला, फिर से उन्होंने हाथ जोड़े और बोला, हे भलिया माणसा तू लई मोठा, मतलब हे भला आदमी, माणसा मतलब माणूस मतलब इंसान, तो हे भले भले इंसान तू लई मोठा, तू बहुत मोठा है, बड़ा है, म्यासनी शाली दिलिया, मुझे शाल दिया, पण बाबा म्या भिखारियाला शाली कशा शोभतील, मतलब लेकिन बाबा, मतलब वो ऑथर को रेफर कर रहे हैं बाबा भिक्षेकरी, के मैं भिखारी, म्या भिखारियाला शाली, शाल कशा शोभतील, मुझे शाल कैसे शोभा देगी, त्या शोभे पेक्षा पोटाची आग लई वाईट, वो शोभा शाल से मुझे अच्छा मतलब शाल मिलती है तो हमारी शोभा बढ़ती है, जैसे हमको किसी ने अगर ना रिस्पेक्ट से भी दिया है या हम कोई शॉल ओढ़ के भी जा रहे हैं तो एक शोभा मिलती है उसकी, उसकी अलग पहचान होती है, तो भिखारी कह रहे कि वो शोभा शाल की शोभा से पोटाची आग, पेट की आग मतलब के जो भूख लगती है, हंगर, लई वाइट, वो बहुत बुरी है, वाइट मतलब बैड, तो ये भी ऑपोजिट क्या होगा इसका, वाइट और बरे, बरे वाइट, बरे मतलब के अच्छा, वाइट मतलब के बुरा, तो पेट की आग जो है, भूख जो है वो बहुत लॉट, लई वाइट मतलब वेरी बैड, वो बहुत बुरी होती है। मी शाली इकलिया, इकलिया भी वो भिखारी है, वो भिक्षेकरी, महातारा भिक्षेकरी है, तो वो ऐसे उनका लैंग्वेज ऐसे वो बोलते, इकलिया मतलब एक्चुअली विकलिया मतलब बेच दिया, विकलिया, तो विकणे मतलब के मराठी में होता है बेचना, तो वो शाल मैंने बेच दिया, वो 2-3 दिवस पोट भर जेवन घेतलं बाबा, और 2-3 दिन पेट भर के जेवन किया, जेवन मतलब खाना, जेवन घेतले बाबा। आमचा है असलब बिकट जीने, मतलब बिकट मतलब के डिफिकल्ट, है ना, तो ये हमारा ये डिफिकल्ट जीना है। तुझे लई उपकार होए हायत बाबा, मतलब उन्हें बोला तुझा तेरा आपका मतलब बहुत उपकार, मतलब बहुत आपने मुझ पर उपकार किया है, मुझ मेरे लिए ना एहसान किया है, तो ये उन्होंने ऑथर को कहा, तो ये हुआ। शालीची शोभा आणि उब, वो पोटाची आग आणि अन्नाची उब, तो ये एक एक्सक्लेमेशन ऑथर ने, अब एक नई बात है ये सामने कि शाल से शोभा मिलती है, वार्म्थ मिलती है, उब मतलब के वार्म्थ, हमने देखा है ऊपर भी, तो इसलिए मैंने फिर से नहीं लिखा। शाली की उबे पेक्षा, जब बाई का था कि शाल की उबे पे पुलकित शाल की उब वार्म्थ के बेटर, ये जो इंसिडेंट की वार्म्थ थी वो बेटर है, तो यहाँ पे भी फिर से उब वर्ड आया, वार्म्थ, गर्मास, तो शाल शाली की शाल से हमको शोभा मिलता है, शाली की शोभा है और उससे वार्म्थ मिलती है, तो ये दो चीज हम अगर कंपेयर करें पेट की आग से, पोटाची आग और अन्नाची उब, तो खाना खाएंगे तो जो वार्म्थ मिलेगी हमको, तो ये दो कंपेयर किए जा रहे हैं। भूखले भूकेलियास अन्न दियावे, मतलब जो भूखा है उसको अन्न दे, तहान ले लिया पानी दियावे, जो तहान ले लिया मतलब जो थर्स्टी है उनको पानी दियावे, पानी दियावे, आणि हे ही जमले नहीं, अगर ये भी नहीं जमता तर अभाग्यान्ना, मतलब जो भाग्य, भाग्य मतलब हमारा नसीब, तो अभाग्य मतलब जो अनलकी है, जिनका नसीब, बद नसीब जो कहते हैं हम, अनलकी, तो तर अभाग्यान्ना सन्मानाच्या शाल शाली तरी दियाव्यात, तो अगर भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, अगर ये नहीं जमता तो एटलीस्ट जो अनलकी लोग हैं उनको सम्मान की शाल ही दे दो, तो हमने देखा शाल दी गई लेकिन शाल से भी उन्होंने अपना, भिक्षेकरी ने अपना पेट भरा, तो अभाग्यान्ना सन्मानाची शाली तरी दिया गया, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और सही से समझ में आया,
एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू. Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to never miss any new updates.